आईएएस अधिकारी राजीव बंसल एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। राजीव बंसल को 3 महीने के लिए ये अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। बंसल फिलहाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार के पद पर हैं। उन्हें एयर इंडिया के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वो अश्विनी लोहानी की जगह लेंगे, जिन्हें रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बंसल 1988 बैच के नागालैंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले राजीव बंसल नागरिक विमानन मंत्रालय में 2006 से 2008 के बीच काम कर चुके हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी एसीसी ने बंसल की नियुक्ति को मंजूरी दी है। बंसल की नियुक्ति लोहानी को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनाए जाने के कुछ ही घंटे बाद की गई। इससे पहले एके मित्तल रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, जिन्होंने बार बार हो रहे ट्रेन हादसों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। राजीव बंसल ने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इससे पहले भी वो हवाई यातायात के क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं। वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय में डायरेक्टर और नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति ऐसे वक्त में हो रही है जब एयर इंडिया के निजीकरण का फैसला सरकार की ओर से लिया जा चुका है। उन पर कार्य के आगे बढ़ाने का जिम्मा होगा। दिशा बिष्ट, एपीएन।